नमस्ते बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं? अब तो देखो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और अब आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं। आपके शायद फरवरी या मार्च में स्कूल खुल जाएंगे। फिर हम जो है आमने सामने बैठ के पढ़ा करेंगे, ना कि ऐसे मोबाइल पे। तो अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो ना? मन लगता है पढ़ाई में कि अब स्कूल आने का फिर बिल्कुल मन नहीं करता? ठंड में तो वैसे भी किसी का मन नहीं करता आने का। तो अब पर आना पड़ेगा आप सबको। और अपनी एक बात और है आपसे कि जब भी उधर से आपके आसपास का जो भी PHC है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या CHC है, वहाँ से मैसेज आए, जैसे कोरोना टेस्ट के लिए आया था, अगर वैक्सीन लगवाने का मैसेज आए तो आप लोग प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन का मतलब कि टीका जो कोरोना से बचाव का आया है वो ज़रूर लगवाएं, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं लोग कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद ये टीका लगवाया है। हमारे एक मैडम हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये इंजेक्शन लगवाया है। अभी तक उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से, पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुद भी वो वैक्सीनेशन करवाएं और बच्चों का भी ज़रूर करवाएं, ताकि इस खतरनाक बीमारी से जो हमारा भारत है वो बच पाए और बिल्कुल मुक्त हो पाए। तो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। अच्छा ये बताओ, आज आपने क्या सब्जी खाई थी सुबह नाश्ते में? अच्छा, किसी ने परांठे और बिस्किट परांठे और चाय खाई, और किसी ने बिस्किट और चाय खाई, है ना? और किसी ने रस भी लिए होंगे चाय के साथ। तो अब हमारा बीच का होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ते, और जो लंच दोपहर के खाने के बीच का टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट भी लेते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। फ्रूट भी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे क्या मिलता है, जो बच्चे फल फल नहीं खाते हैं वो पहले सुन लें कि फल खाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? फल हमें क्या देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपको जो है बीमारियों से बचाव की जो है क्षमता देते हैं। तो इसीलिए फल हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो पहले पहले अब ये बताओ, किसको जो सबसे सस्ता फल होता है वो ही खाना सबसे अच्छा होता है। तो आजकल सबसे सस्ता फल कौन सा आया हुआ है? सबसे सस्ता फल आया हुआ है संतरा। इसको कीनू भी बोलते हैं। ये देखो कैसे रंग का है, इसके पास ये देखो कैसा है ये है। इसको संतरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्किन है, जो इसकी खाल है, वो संतरिया रंग की है। ठीक है, ये वो है संतरिया रंग की। और कैसे होता है गोल, हम इसकी जो है खाल उतार के, छिलका जिसको बोलते हैं, छिलका उतार के, और फिर इसके अंदर क्या निकलती हैं, फांक निकलती हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये छीला, इसका जूस भी बनता है, और इसका जूस बनाना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमने हमारा है संतरा, संतरे की ये देखो फांक निकली, फांक निकली, फांक निकली, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे इसमें से अलग अलग जो हैं फांक निकलती हैं। और अब फिर इसको आप लोग जो है टेस्ट करते हो, तो ये कैसा होता है, इसका टेस्ट करें, इसका टेस्ट करें। इसका टेस्ट होता है, कभी तो ये बहुत मीठा निकलता है और कभी बहुत खट्टा भी निकल जाता है, और कभी ये जो है थोड़ा मीठा निकलता है। ये देखो, ये इसकी फांक है। अगला हमारा फल आता है जो सबको पसंद है और जो तुम्हारे बंदर मामा है उनको बहुत ज्यादा पसंद है, वो है हमारे केले। ये देखो,
इसका भी ऊपर का एक छिलका होता है, फिर इसके अंदर से जो है वाइट कलर का एक फल निकलता है जिसको हम खाते हैं। ये देखो, इसको भी छीले हम, ये देखो इसको भी छीलते हैं। इसके अंदर से जो सफेद रंग का पल्प होता है उसे हम खाते हैं, ये देखो। ठीक है, अब हमारा अगला फल आता है, हमारा सेब। सेब कैसा होता है, ये देखो, ऊपर से लाल छिलका और इसके अंदर भी एक सफेद से रंग का, सफेद नहीं, ऑफ वाइट क्रीम कलर का पदार्थ निकलता है उसको हम खाते हैं। सेब भी स्वाद में मीठा होता है, ठीक है बेटे। पर आपको सेब खाते टाइम एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, पहले तो जो सेब आते थे ना वो ऐसे ही हम धोया अच्छे से और ऐसे ही काटा और खा लिया, परंतु अब कभी भी आप सेब है वो छिलके के साथ नहीं खाओगे, क्योंकि आजकल इसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग आई होती है, वैक्स मोम की कोटिंग लगा देते हैं इसको चमकाने के लिए ताकि ये और महंगा बिके। तो आप इस बात का ध्यान रखना, कभी भी जब सेब खाओ तो वो छिलका उतार कर ही खाओ। अगला हमारा फल आता है अनार। ये देखो, ये ऐसा होता है, अगर आप मेरे पास होते इसमें भी लाल रंग का छिलका होता है, अंदर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ठीक है। अगर हम मेरे पास होते आप तो मैं आप सबको ये फल टेस्ट भी करवाती कि कौन से फल का कैसा टेस्ट होता है, परंतु अब हम मोबाइल के थ्रू वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल आप इसे देखो और जब आप क्लास में आओगे तो ये फल हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसका टेस्ट भी साथ में लेंगे कि ये स्वाद में कैसा होता है, ठीक है। ये देखो, ये अनार, ये भी गोल होता है, ऊपर लाल छिलका होता है और इसके ऊपर ये ऐसी ज़रूर बनी हुई होती है। अब हमारा अगला और बहुत बड़ा फल आता है, वो आता है अनानास। ये देखो अनानास, ये देखो, ये साइज में बड़ा होता है, उसके ऊपर ऐसे ये लगे होते हैं कांटे, ये देखो ये कांटे लगे होते हैं। ये हरे रंग का भी होता है, इसका तो रंग हरा है जो मुझे मिला है, पर ये जो है पीले रंग का होता है ऊपर से इसका छिलका, इसका भी छिलका उतारा जाता है और अंदर से क्रीम कलर का ऑफ वाइट कलर का फल निकलता है, गिरी निकलती है, उसको हम खाते हैं। तो प्लीज़ आप ये सब देखो ध्यान से, ये अनानास है और ये हमारा संतरा है, ये हमारा सेब है, ये हमारा अनार है, ये हमारा केला है, ठीक है। चलो अब ये तो हमारे हो गए, अब हम इनको दीवार पे, इनको पिक्चर कैसे बनती है, पिक्चर में कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। आओ बेटे, ये है सेब, देखो पिक्चर में देखने पे ऐसा लगता है ये देखो, और ये नीचे ऐसे लिखा जाता है एप्पल, APPLE एप्पल, हिंदी में सेब कहते हैं, ठीक है। चलो अब है हमारा केला, देखो ये केला बना हुआ है, ठीक। और अब हम चलते हैं अनार की तरफ, देखो मैंने आपको बताया था ना कि अनार के अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं, वो देखो दिख रहे हैं, ठीक, लाल रंग का है, ऊपर वो बना हुआ है और अंदर छोटे बीज हैं, और इसको जो है छील के और दाने निकाल के इसके खाए जाते हैं। अब हम चलते हैं संतरे की तरफ, ये है हमारा संतरा, इसको जो है छील के खाते हैं और इसको काटोगे
बीच में तो एक नींबू के जैसे भी दिखता है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने पाइनएप्पल की तरफ। तो ये है हमारा पाइनएप्पल, इसको हम अनानास कहते हैं, इसका जूस भी बनता है। और ये अब आप पिक्चर में भी आपने देख लिया है और असली में भी देख लिया है, अब आपको जब भी खाना हो मम्मी को बताना। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय। चल।